हेलो फ्रेंड्स, आज हम आटे से आपको बार्बी डॉल्स के लिए, उनकी पार्टी के लिए पिज्जा, बर्गर और केक, आइसक्रीम, कुकीज बनाना सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं आटा। सबसे पहले हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इस आटे से हम केक का बेस बनाते हैं। ये बेस हमने बना लिया है। अब इसका हम थोड़ा डेकोरेशन करेंगे। ऐसी लंबी स्ट्रिप बना लेंगे उस पर रिंग बनाने के लिए। इसके थ्रू फिर हम उस केक पे रिंग बनाएंगे। ऐसे हम गोल गोल ऐसे इसके डेकोरेशन के लिए रिंग्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से रिंग्स बना लिए। अब इसके ऊपर हम गोल गोल चेरीज टाइप लगाएंगे। ये देखिए छोटी छोटी ये पॉइंट्स लगा देंगे। ये देखिए डिजाइन तैयार हो गया है। अब हम इस पे कलर करेंगे, बेस पे ब्राउन कलर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बेस पे हम वाटर कलर लिए हमने, ब्रश से हम इस पे ब्राउन कलर कर लेंगे। ये देखिए ब्राउन कलर के बाद हम इस पे व्हाइट कलर की थोड़ी सी आउटलाइंस बनाएंगे। ये देखिए अब इसमें ये जो चेरीज हमने बनाई है इसको पिंक कलर से कर लेंगे व्हाइट कलर के बाद। ये देखिए हमारा केक तैयार हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर के बंच टाइप गोल गोल ऐसे दो बंच तैयार कर देंगे बर्गर के लिए। ये देखिए ये ऊपर के नीचे के दो बंच के बाद हम ये ऐसे इसकी ये फिलिंग जो रहती है उसको ऐसे लंबी लंबी ऐसे गोल गोल तैयार करके इसके ऊपर रख देंगे। देखिए ठीक है। अब इसके बाद हम इस बंच को रख देंगे इसके ऊपर। सो करने के बाद ऐसे इस तरीके से डिजाइन हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम इसे कलर कर लेते हैं। ये देखिए फिर इसकी ये आउटलाइंस बना लेंगे हम किनारे पे ऐसे ग्रीन कलर से, और बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम रेड कलर से कर देंगे। का जो है उसे हम रेड कलर से कर देंगे, तो रेड कलर का कलर आ जाएगा हमारा। ये देखिए ऐसा ये रेड हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम ये दूसरा बंच रख देंगे और ऊपर नीचे दोनों के बंच को येलो कलर से हम कलर कर देंगे। ये देखिए हमारा बर्गर रेडी हो गया है। ये देखिए अब हम बनाएंगे पिज्जा। सबसे पहले हम पिज्जा बेस तैयार कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम बेस की किनारे साइड के ब्राउन कलर कर देंगे। ये देखिए इसके किनारे किनारे पे हमने ब्राउन कलर कर दिया है पिज्जा बेस जैसा लुक देने के लिए। अब इसके ऊपर हम इसकी ऊपर की किनारी पे रेड कलर करेंगे। ये देखिए हमने रेड कलर कर दिया है। अब ये जो बीच का पोर्शन है उसमें हम व्हाइट कलर कर देंगे। उससे पहले हम इसके चार वो लाइनें होती हैं पिज्जा की, वैसी हम इसे बना लेंगे। देखिए इस तरीके से बना लेंगे। इसके बीच के पोर्शन में हम व्हाइट कलर कर देंगे पूरे पोर्शन पे। देखिए इस तरीके से व्हाइट कलर करके अब इस पे हम थोड़ा सा वेजीज के लिए थोड़ी सी डिजाइन बनाएंगे गोल गोल और लंबी लंबी। ये देखिए इस तरीके से हमने ये कुछ लंबी लंबी डिजाइन्स बना ली हैं, कुछ गोल गोल। इसको हम टमाटो कलर में करेंगे। इन्हें अच्छे से पेस्ट कर लीजिएगा, और इनको शिमला मिर्ची कलर में करेंगे। इन्हें ब्लैक ग्रेप्स के कलर से कर देंगे, तो इसमें ब्लैक कलर करेंगे, इसमें रेड एंड इसमें ग्रीन कलर से हम कलर कर देंगे पिज्जा जैसा, वेजेस का लुक देंगे ये हमें। ये देखिए कलर करने के बाद हमारा पिज्जा बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है। अब हम बनाएंगे कुकीज। ये देखिए हमारे पास दो तरीके के पिज्जा हैं। अब हम कुकीज इसके लिए हम गोल गोल बिस्किट टाइप छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। ये देखिए हमने कुकीज शेप में आटे को बना लिया है। अब इस आटे को हम लाइट ब्राउन कलर से कलर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम
लाइट ब्राउन कलर को हम कर देंगे सारी कुकीज पे। अब इसके बाद हम ब्लैक कलर से इस पे आउटलाइंस बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ब्लैक कलर से हम ये आउटलाइंस कर देंगे इसके ऊपर। ये बिल्कुल कुकीज जैसा लुक देगा आपको। थोड़ा ज्यादा हो गई है, ये इस तरीके से करनी है, इस तरीके से करनी है, ठीक है। ये देखिए हमारी कुकीज रेडी हो गई हैं। इस तरीके से आप और भी चीजें बना सकते हैं अपनी बार्बी डॉल की पिज्जा पार्टी के लिए। इस तरीके से हमारी ये देखिए पिज्जा, केक्स, कुकीज, बर्गर और बाउल्स भी बना लिए, जिसमें आप चटनी सॉसेस भी रख सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ ये जरूर ट्राई करिएगा इन छुट्टियों में, उनके साथ एंजॉय करिएगा, पार्टी मनाइएगा बार्बी डॉल्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू, वेलकम।